नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्नल यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ऑटो कैड 2024 जो कि नई लेटेस्ट अपडेट के साथ लॉन्च हो चुका है और इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, साथ में जो है आप इसको अगर सीखना चाहते हैं तो कैसे आप सीखेंगे। स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें आपको पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन और कैसे आप इसकी कमांड्स का यूज कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो है हम ऑटोकैड 2024 का शुभारंभ करते हैं। ऑटोकैड 2024 में जो नए अपडेट्स हैं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि लोगो ही इसका चेंज कर दिया है पूरी तरीके से। ग्राफिक्स भी काफी नए दिख रहे हैं, स्पीड देखते हैं कितनी जल्दी ये ओपन हो जाता है। काफी जल्दी जो है रिस्पॉन्स के साथ में ये ओपन भी हो गया। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है इसका स्टार्टिंग मेन्यू दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो अगर आपको कोई पुरानी फाइल्स ओपन करनी है तो ये पुराने वाले जैसे 2023 और 24 में सेम वर्जन आपको मिल जाएगा। जो अपडेट आई है वो है आपकी, अगर आपको ग्रिड व्यू में देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं और लिस्ट व्यू में देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपको जो है मिल जाएगा। लेकिन जो नया फीचर ऐड हुआ है वो है सर्च का। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी फाइल आपने सेव की हुई है ऑटोकैड 2024 में उसको जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपका पूरा का पूरा फाइल फोल्डर जो है ओपन कर देगा। यहाँ पर देखिए जैसे मुझे यहाँ पर सर्च करना है असेंबली, ठीक है, तो मैं A SS लिखूंगा और यहाँ पर देखिए शॉर्टलिस्ट होते हुए जो लिस्ट है काफी छोटी हो जाएगी। अब इससे जो है हमें इजी हो जाता है कि हम अगर हमारे पास 1000 से ज्यादा फाइल्स हैं तो उनको इजीली जो है शॉर्टलिस्ट करके यहाँ से डाल सकते हैं। अब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में देख सकते हैं नाम से सर्च कर सकते हैं फाइल टाइप से और लास्ट ओपन, ठीक है, उससे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर टिक मार सकते हैं, ठीक है, तो यहां से आपको जो है वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर जो है आपको पूरा का पूरा पाथ मिल जाएगा कि कहां पर जो है ये फाइल सेव हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाकी देखिए अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको जो है ये लाइव जो ऑप्शन है ये यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहां पर डायरेक्ट आप हेल्प ले सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऑटोडेस्क की तरफ से, ये आपका जो है लाइसेंस वर्जन में रहता है। ठीक है, ऑटोडेस्क प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है जो कि नया है। ठीक है, बाकी इसमें ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, ये सारी जो है मोबाइल ऐप भी है और आपका ऑटोकैड वेब व्यू दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में भी आप ऑटोकैड चला सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमें ऑटोकैड एज ए बिगिनर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर देख सकते हैं ये एक न्यू का ऑप्शन है, इस न्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा नई एक ड्राइंग फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इस ड्राइंग फाइल का नाम हम पहले सेव कर लेते हैं जिससे कि हमें ये ड्राइंग दोबारा से मिल जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे जो है यहां पर इसको सेव करना है तो सेव का ऑप्शन डालूंगा मैं और यहां पर मैं इसका नाम दे दूंगा ऑटोकैड 2024 सैंपल, ठीक है, 1। और इसको जो है मैं एक फोल्डर में अपने सेव करना चाहता हूं तो मैं यहां फोल्डर में जाऊंगा और ऑटोकैड 2024 की फाइल्स यहां पर हैं और इसको मैं सेव कर देता हूं यहां पर। ठीक है, तो ये हमारी जो है फाइल ऐसे ये सेव हो गई। अब अगर मुझे कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल के लिए ओपन, यहां पर देखिए ऑटोकैड 2024 चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, इसको सिलेक्ट करता हूं और ओपन पे क्लिक करता हूं तो हमारी जो है ये ऑटोकैड 2024 की एक्सरसाइज फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जितनी भी कमांड्स है आपकी, ये कमांड्स आपकी 2022 वर्जन के साथ में ही बिल्कुल मैच करती हुई हैं। अगर आप 2022 सीख चुके हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उसको समझ लेते हैं अगर आप बिगिनर हैं उनके लिए कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज है आपका जो हथियार है वो आपका ये माउस है। ठीक है, इस माउस में देखेंगे एक आपका लेफ्ट है और एक आपका राइट है। ठीक है, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है, तो देखिए दोनों चीजों में आप समझ लेते हैं अंतर क्या है। जो लेफ्ट साइड है वो आपका इस उंगली से स्टार्ट होगा और जो राइट बटन है वो आपका मिडिल फिंगर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको आपको यहां पे रखना है, माउस को ऐसे पकड़ना है। ठीक है, और बीच में है आपका स्क्रोल। ठीक है, ये स्क्रोलर है, इसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पे आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूं आगे की तरफ, देखिए आगे की तरफ करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए आगे करूंगा जूम इन, पीछे करूंगा जूम आउट, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट के लिए ये आपको ये स्क्रॉलर जो बीच में सेंटर में जो एक स्क्रॉलर दिया हुआ है इसको आप आगे पीछे करके करेंगे, ठीक है। तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक आपका इस उंगली से होगा और राइट क्लिक आपका मिडिल फिंगर से होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है शॉर्टकट कीज बता देता हूं, जिससे कि आपको कीबोर्ड में पता चल जाए कि कौन से बटन को प्रेस करने से हम क्या कमांड यूज करते हैं। तो यहां पर मैं आपको ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज, देखिए ये शॉर्टकट गाइड कीज है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको जो है इसकी पीडीएफ गाइड मिल जाएगी, जिससे कि आप कमांड्स को याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहला चैप्टर है कि भाई जो कीबोर्ड है कीबोर्ड के अंदर क्या क्या बटन आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होगा वो आपका ESC, ये बटन जो आप देख सकते हैं, इस बटन का यूज हमको करना है किसी भी कमांड को बाहर निकलने के लिए। अगर उस कमांड में हम फंस जाते हैं, कहीं पर भी कुछ उलझन हो जाती है, तो हम एस्केप बटन से उससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एंटर, एंटर से क्या होता है कि कमांड के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेस बार है, स्पेस बार को भी हम एंटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो शॉर्टकट कीज है, जैसे एल है, ये एल से आपको लाइन कमांड मिल जाएगी, जे से ज्वाइन है, एच से हैच है, जी से ग्रुप है, एफ से फिलेट है, ठीक है। ये आपको कमांड लाइन कहां पे मिलेंगी, ये देखिए यहां पर जब हम खोलेंगे आपको सारी कमांड्स का यूज करना है, तो यहां से देख लीजिए ये सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। F8 होता है आपका ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है कि आप लाइन को सीधा कर सकते हैं। अब मैं ये चीजें आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, इसको आप देख लीजिएगा, इसको याद करना है आपको, ठीक है, इससे कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है प्रो लेवल पे ऑटोकैड में जा सकते हैं। अब चलिए ऑटोकैड को हमने ओपन कर ही लिया है, तो 2024 का वर्जन जो है हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं सैंपल में, जिससे कि आपको कमांड्स के बारे में और सेटिंग के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए, ठीक है। कि ये आपको यहां पर ये सर्कल दिया हुआ है, इस पर लिखा है WCS, यानी कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इस पर जाके हम जब कर्सर को ले जाते हैं तो आपको जो है यहां पर दिखाएगा कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है। ये अलग अलग व्यूज दिए हुए हैं, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, ठीक है। जिस व्यू में आपको जो है ड्रॉइंग को बनाना है वो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सेलेक्ट करना है इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक इस ड्राइंग में दिखाता हूं, जैसे ही मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखना है तो देखिए इस तरह से दिखेगा ये व्यू, ठीक है। टॉप व्यू में देखूंगा तो इस तरह से दिखेगा, और टॉप व्यू में ये हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आप इससे व्यू चेंज कर सकते हैं। ऑटोकैड की सबसे पहली कमांड होती है वो लाइन, यानी कि लाइन अगर आपने ड्रॉ करना सीख लिया तो आप जो है आगे सीख सकते हैं। तो लाइन करने के लिए सबसे पहले लाइन पे क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक करना है आपको, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए हम इस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, और ये देखिए जैसे ही हम इस अपने माउस को जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, जिधर ले जाएंगे वहीं जो है ये मूव करेगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन खींच रही है। अब देखिए अगर हमें इस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये लाइन हमारी टेढ़ी हो रही है, ठीक है, इधर हो रही है, और मैं चाहता हूं कि ये लाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाए, तो उसके लिए हमें F8 कीबोर्ड के ऊपर F8 बटन प्रेस करना है। जैसे मैं F8 बटन प्रेस किया तो ये देखिए लाइन सीधी हो रही है, चाहे मेरा देखिए यहां पर कर्सर मेरा यहां पर आ चुका है, बट लाइन हमेशा सीधी जा रही है, ठीक है, ये लाइन कर्सर को छोड़ चुकी है, ऑर्थो का मतलब है ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अगर मैं फिर दोबारा से F8 बटन प्रेस कर दूंगा तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा, ये देखिए ऑर्थो ऑफ हो गया। अब ये चीज आपको कहां पर भी दिखेगी, ये चीज मैं बता देता हूं, जब आप कमांड बार देखते हैं, यहां पर देखिए आपने पहले ऑर्थो ऑफ किया था, उसके बाद ऑर्थो ऑन किया था, फिर ऑर्थो ऑफ किया, तो कमांड बार में आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाती है कि आपने कौन कौन से बटन प्रेस किए, ठीक है। अगर आपको लगता है चेक करना है कि आपने क्या क्या बटन प्रेस किया, तो देखिए यहां पर देखिए ये आपने सबसे पहले लाइन कमांड ली, ठीक है, उसको कैंसिल किया, लाइन लिया, फिर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, ऑर्थो ऑफ किया, ऑर्थो ऑन किया, ऑर्थो ऑफ किया, तो ये जो कमांड हम जो भी कमांड यूज करेंगे उसकी जो है हिस्ट्री आपको यहां पर मिल जाएगी। जब भी एज ए डिजाइनर आपका टेस्ट होगा और आपको कोई भी ड्राइंग दी जाएगी, तो आप जब ये ड्रॉ करेंगे, टेस्टिंग जब होती है आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर,
तो ऑटो कैड के अंदर जो है आपको पूरी की पूरी जो कमांड बार की हिस्ट्री है ये चेक होती है, ठीक है। आपको जो भी ड्राइंग दी जाएगी आपको मिनिमम कमांड्स के अंदर ड्राइंग को जनरेट करना है, तो कुछ टेक्निक्स आपको यूज करनी होगी और उन टेक्निक्स को अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए किसी भी ड्राइंग को बनाने के 10 रास्ते हो सकते हैं, 10 तरीके हो सकते हैं, बट जो कम कमांड्स और कम टाइम में जो ड्राइंग्स बनाएगा उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर टेक्निक भी लगानी है, टेक्निक भी समझनी है और ड्राइंग को जनरेट भी करना है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा और आपको जो है मेथड भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब टेस्ट होता है तो आप जितनी भी कमांड यूज करेंगे वो कमांड हिस्ट्री में सेव हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आपने कोई गलती की तो वो आप जो है इसमें छुपा नहीं सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा जब भी ड्राइंग बनाएं उससे पहले जो है उस इमेज को अपने दिमाग में उस कमांड के साथ में सॉल्यूशन जनरेट कर लें, इससे कि आपको जो है बेटर रिजल्ट मिले कम समय के अंदर, ठीक है। तो यही आपको प्रैक्टिस के साथ में जो है इंप्रूव करना होता है ऑटोकैड में। ऑटोकैड के अंदर एक नौसिखिया भी डिजाइन कर सकता है और एक एक्सपर्ट भी डिजाइन करता है, बट जब सिलेक्शन होता है तो एक्सपर्ट कैसे अलग हो जाता है वो चीज जो है इस कमांड हिस्ट्री के थ्रू जो है पता चलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो है आपको कम से कम कमांड के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है। इंजीनियरिंग का पहला रूल है मिनिमम इनपुट टू मैक्सिमम आउटपुट। अगर आप एक सक्सेसफुल डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जो है आपको ये हिस्ट्री जो है कम पॉइंट्स के साथ में जो है अच्छा रिजल्ट्स देगी, ठीक है। तो इस पे जो है इंप्रूवमेंट करना है। तो चलिए अब हम जो है अपनी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचेंगे लाइन कमांड के साथ में। देखिए लाइन कमांड है, लाइन कमांड को क्लिक करते हैं, लाइन कमांड को इस प्लेन पर भी क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए ये ऑर्थो मोड यहां पर ऑन नहीं है तो हमें ऑर्थो मोड ऑन करना है, F8। ये देखिए लाइन हो गया। अब जितनी लंबी हमें लाइन खींचनी है वो लाइन की डायमेंशन हमें यहां पर पुट करनी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 25। अब देखिए 25 मैंने टाइप किया तो यहां पर स्क्रीन के ऊपर 25 भी दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर मैंने बटन प्रेस किया तो देखिए 25 पे जो है ये लाइन टूट गई, ठीक है। अब मैं ऊपर भी ले जा सकता हूं, नीचे भी ले जा सकता हूं, आगे भी ले जा सकता हूं, पीछे भी ले जा सकता हूं, बट ये जो ब्रेक पॉइंट है आपको 25 mm पर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका यहां पर दूसरी तरफ अगर मैं यहां ले जाता हूं नीचे की तरफ और यहां पर मैं डायमेंशन देता हूं 15, एंटर, तो देखिए 15 पे ये जो है ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इधर भी ले जा सकता हूं, इधर भी ले जा सकता हूं, ठीक है। तो मैं अपने राइट साइड की तरफ ले जाऊंगा और यहां पर डालूंगा 15 अगेन, एंटर, और ऊपर की तरफ लेके आऊंगा 15 अगेन, एंटर, और इधर लेके जाऊंगा 25, एंटर, ऊपर 25, एंटर, 65, एंटर, और 25, एंटर, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो है ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि इसकी डायमेंशंस भी हमें चेक करनी है साथ के साथ, तो कैसे करेंगे इसके लिए जो है यहां पर ये बटन है, इस बटन पे जो है आपको डायमेंशंस चेक करने के लिए डिटेल मिल जाएगी। आपको अलाइन डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायमीटर सब कुछ आप यहां से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लीनियर करनी है तो लीनियर लेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे, ये देखिए 65, ठीक है। इसी तरह से फिर दोबारा से क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे करेंगे और ये देख लेंगे 25, ठीक है। अब क्योंकि ये डायमेंशंस की जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये डायमेंशंस काफी छोटी दिखा रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो इसकी सेटिंग है, वो सेटिंग भी हम साथ के साथ समझते हैं कि क्या क्या हमें सेटिंग करनी है, ठीक है। एनोटेशन में जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए स्टैंडर्ड लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है देखिए डायमेंशन स्टाइल। अब इस डायमेंशन स्टाइल के आगे लिखा है ISO 25। अब ये एक स्टैंडर्ड है ISO 25, इस पे हम जो है ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए एनोटेटिव, ISO 25, स्टैंडर्ड, ये तीनों का जो है यहां पर दिया हुआ है कि किस तरीके से ये फॉर्मेट दिखा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमें आईएसओ
25 ही यूज करना है और इसमें चेंजेस करने हैं ताकि जो है ये जितना लिखा हुआ है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो कैसे करेंगे, मैनेज डायमेंशन स्टाइल्स, इस पे जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, कर्सर को लेफ्ट क्लिक करना है। अब ये आपको ऐसा पॉपअप विंडो खुलेगी। अब इस पॉपअप विंडो में आपको जो है कर्सर को ले जाना है मॉडिफाई पर, और मॉडिफाई पर क्लिक करना है लेफ्ट। ये देखिए, लेफ्ट क्लिक करते ही जो है आपको यहां पर ये चीजें दिख जाएंगी। तो ये आपको लाइन, सिंबल्स, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट हमको बड़ा करना है। टेक्स्ट का साइज यहां पर क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट हाइट दी है 0.25। अब 0.25 तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि भाई ये 3.5 mm का हो जाए, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, ठीक है। और ऑफसेट डायमेंशन भी हम यहां पर डालते हैं 0.25, ठीक है। उसके बाद जो है हम सिंबल एंड एरो, सिंबल का साइज भी हम चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ऐसा ना हो, 2.5। और ब्रेक साइज आपको जो है यहां पर मिल जाए 0.5, ठीक है। और लाइंस जो है आपको डायमेंशंस की रेड और येलो दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। प्राइमरी यूनिट देखिए, यहां पर यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं किस फॉर्मेट में आपको जो है रखना है, ठीक है। तो ये चीज जो है इसमें ऑलरेडी दी हुई है, डेसिमल में है, प्रिसीजन 0.00 का है, ये भी हमारा सही है, इसको हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद देखिए जो ड्राइंग हमारी बन चुकी है, अगर उस पर भी यही डायमेंशन चाहते हैं तो हमको जो है सेट करेंट करना पड़ेगा। तो सेट करेंट पे करेंगे और क्लोज कर देंगे। ये देखिए, ये साइज ऑटोमेटिकली जो है इसका बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको जो है मैं यहां पर हटा देता हूं, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। यहां पर देखिए, ये जो है हमने 25 यहां पर दिखा दिया, ठीक है। ये लीजिए, तो इस तरीके से आप डायमेंशंस को शो कर सकते हैं। ये वाले डायमेंशंस शो कर देते हैं। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जब भी आप डायमेंशन शो करें तो इस कंपोनेंट जो भी आप ड्रॉ करें उसके बाहर की तरफ आपको शो करने की कोशिश करनी है। मैक्सिमम चांसेस आपको ये करने हैं कि आपको जब भी डायमेंशन डालनी है वो बाहर की तरफ डालें, ये स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि भाई ये जो है नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जो है स्पेसिंग की दिक्कत आ रही है, तो आप जो है इसको अंदर यूज कर सकते हैं, कुछ केसेस के अंदर, स्पेशल केस में आप जो है इसको अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है। बट जो स्टैंडर्ड रूल है वो आपका बाहर की तरफ ही आपको शो करनी है, ठीक है। तो ये जो है आपकी डायमेंशंस ये दिखा रही है आपके, ठीक है। आपको इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे दिखाना है, ये देखिए ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये डायमेंशन हमने इस तरीके से शो कर दी। अब हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यहां पर भी शो कर दी, यहां पर भी शो कर दी। जब आपको दिख रहा है कि ड्राइंग ऑलरेडी जो है आइडेंटिकल है, ठीक है, तो आप जो है जरूरी नहीं है कि यहां पर दोनों जगह शो करें, आप जो है एक को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहां पर भी ये जैसे ये दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको भी आप जो है इरेज कर दीजिए। ये आप एक ही तरफ जो है इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर दिखा दीजिए कि ये 15 mm है, तो ये 15 आइडेंटिकल है, यहां से यहां तक 15 है, तो ये भी 15 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसकी डायमेंशंस शो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लाइन कमांड का यूज, ठीक है। अब सेकेंड जो कमांड है वो है आपकी पॉलीलाइन, ठीक है। अब पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने के लिए जो है हम पॉलीलाइन पर क्लिक करेंगे, और पॉलीलाइन पे जो है हम सबसे पहले यहां पर सेलेक्ट करेंगे, फिर 25, 15, 35, 10, 25, 55, 45, 25, 35,
10, 10 और 5। ये देखिए, अब ये हमने जो है पॉलीलाइन से ड्रॉ की। इसमें और इस ड्राइंग में क्या फर्क है, मैं आपको यहां पर डिफरेंस बता देता हूं। जब हमने लाइन कमांड से की तो हमारी जो लाइन है जहां पर भी बेंड है वहां पर ये ब्रेक हो जाएगी। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, बट जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, हमने टच कहां पे किया, एस्केप से बाहर निकल जाइए, एस्केप कमांड से आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए लाइन कमांड से हमने ये सिलेक्ट किया और इसको जो है हमने सेलेक्ट किया तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब एस्केप बटन से हम जो है इस कमांड से बाहर आ जाएंगे, ये देखिए बाहर आ गए। लाइन कमांड से हमारा जो है एक ही सिलेक्ट होती है एंटिटी जहां पर भी बेंड होगा। ठीक है, जहां पर भी आप एंटर मारेंगे वहीं पर जो है लाइन ब्रेक हो जाती है, बट पॉली लाइन जो है हमारी ब्रेक नहीं होती, ये एक सिंगल एंटिटी में बनती है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर मेंशन जरूर करिए कि अगर आपको जो है एक कंप्लीट जो है कंपोनेंट डिजाइन करना है जिसमें कि आपको कहीं पर भी ब्रेक नहीं चाहिए तो आप जो है पॉली लाइन का यूज कर सकते हैं, और जहां पर आपको लगता है कि हमें इरेज भी करना है कमांड को तो वहां पर जो है आपको ये लाइन कमांड यूज करनी चाहिए। और मैक्सिमम जो ड्राइंग हम बनाते हैं 2D की वो हम लाइन कमांड से बनाते हैं, क्योंकि हमें जो है कई बार उसको डिलीट करना है, इरेज करना है, ट्रिम करना है, ये सब जो है हमको यूज करना होता है। ठीक है, पॉली लाइन का यूज हम करते हैं 3D में जहां पर हमें जो है पूरी कंप्लीट एंटिटी चाहिए जिसको कि हमें एक्सट्रूड करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया लाइन कमांड और ये हो गया आपका पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर एक कमांड है आपकी, ये देखिए ये है आपका एक्सप्लोड। एक्सप्लोड में क्या है कि आप किसी भी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकते हैं, मतलब पूरा तोड़ सकते हैं। तो अब हम जो है इसको यूज करके बता देते हैं आपको। एक्सप्लोड क्लिक करिए और इस पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। अब ये पूरी जो है टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी है। देखिए अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा। एस्केप बटन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आपको इस पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आपको जो है पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि भाई लाइन को पॉलीलाइन में बना दिया। अब इस लाइन कमांड को फिर दोबारा से पॉलीलाइन में बनाना है तो हमें जो कमांड यूज करनी है उसका नाम है ज्वाइन। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है पहले सिलेक्ट करता हूं और फिर जो है हम यहां पर जाएंगे और सॉरी मॉडिफाई में जाएंगे और यहां पर आपको दिया हुआ है ज्वाइन, ये देखिए ज्वाइन कमांड है, इसको क्लिक कर देंगे। तो अब ये पूरी की पूरी जो लाइंस है वो जुड़ गई हैं। अब मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, देखिए मैंने एक को सिलेक्ट किया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, एस्केप से बाहर निकले, फिर दोबारा से दिखाता हूं, इस पे गया, इसको क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट हो गया। तो ये जो है पॉली लाइन बन गई। ठीक है, पूरा का पूरा कंपोनेंट अगर किसी भी लाइन को लाइन से जोड़ना है तो आपको ज्वाइन कमांड यूज करनी है, और तोड़ना है तो आपको जो है एक्सप्लोड कमांड यूज करनी है। अब हम एक्सप्लोड कमांड का यूज फिर से दोबारा से बताते हैं आपको। इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब ये देखिए ये टूट चुका है, टुकड़ों टुकड़ों में हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन और पॉलीलाइन कमांड। ठीक है, इसके साथ में हमने आपको बता दिया ज्वाइन कमांड और एक्सप्लोड कमांड। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका कि अगर हमें इस डायमेंशंस, इसकी जो डायमेंशंस है जैसे ये दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, अब ये 65 क्या है, एमएम है, इंच है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेटिंग। अब यूनिट सेटिंग के लिए जो है हमें सबसे पहले टाइप करना है यू एन और एंटर। ये देखिए ड्राइंग यूनिट्स आप जो है यहां पर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा है डेसिमल्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। ठीक है, तो हम डेसिमल सेलेक्ट करते हैं। प्रिसीजन की जो वैल्यू है वो हम यहां पर 0.00 से लेकर 0.000000 इतने जीरो तक जो है हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है हमें, हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है 0.00, ये हमारे लिए बहुत ही इनफ है। ठीक है,
अब यहां पर दिया हुआ है मिलीमीटर लेना है आपको, यूनिट लेस करना है, इंच में करना है, फिट में करना है, माइल्स में करना है, मिलीमीटर्स में करना है, मीटर, किलोमीटर, माइक्रो इंच, माइल्स, यार्ड, एस्ट्रोनॉम्स, नैनोमीटर, माइक्रोन्स, किसी में भी आप जो है ये डायमेंशंस सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है मीट्रिक स्केल में काम करते हैं, तो हम इसलिए मिलीमीटर में काम करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको मिलीमीटर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर जो है आप इंटरनेशनल ले सकते हैं और उसके बाद अमेरिकन ले सकते हैं। तो हम इंटरनेशनल यूज करते हैं और इसको जो है ओके कर देते हैं। तो हमारी जो डायमेंशंस है वो एमएम में है। ठीक है, तो ये जितनी भी डायमेंशंस हम डाल रहे हैं 65, ये 65 mm है। ओके, इस तरीके से आप यूनिट सेट कर सकते हैं, ये भी सेटिंग मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आपका कि अगर आप जो है सर्कल यूज करना चाहते हैं, तो सर्कल को कैसे यूज करेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सर्कल के लिए देखिए इतने सारे टाइप के सर्कल्स अवेलेबल है। अब इन सर्कल्स को कैसे यूज करना है ये चीज हम सीखेंगे साथ के साथ। सेंटर रेडियस, अगर हमें किसी भी सर्कल की रेडियस दी हुई है तो हम कैसे यूज करेंगे सेंटर। अब ये इसका सेंटर है, हमें यहां पर जैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हमें बनाना है। अब इसकी रेडियस हमें पता है कि हमें 10 mm की जो है हमें रेडियस का सर्कल बनाना है, तो 10 हम यहां पर टाइप करेंगे और फिर एंटर दबा देंगे। और ये देखिए ये हमारा 10 रेडियस का जो है सर्कल बन गया है। अब ये चीज हमें चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हमें डायमेंशंस पे जाएंगे और यहां पर देखिए रेडियस लिखा हुआ है, इस रेडियस पे क्लिक करेंगे और यहां पर ले जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये देखिए R10 लिख के आ गया, यानी कि रेडियस 10 है। अब चाहते हैं कि भाई इसकी डायमीटर भी हमें शो हो जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और डायमीटर वाला जो ये लिखा है इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और ये देखिए डायमीटर 20 हो गया, रेडियस 10 हो गई। ये दोनों चीजें हम यहाँ पर कोई भी चीज शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहले टाइप का सर्कल। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप का सर्कल देखते हैं। अगर हमें सेंटर डायमीटर दिया हुआ है तो यहां पर देख लेते हैं, सेंटर डायमीटर सेलेक्ट करते हैं और यहां पर हम डायमीटर डाल देते हैं 25, एंटर। ये देखिए 25 डायमीटर का जो है हमारा ये सर्कल बन गया। इसी तरह से है टू पॉइंट, अगर हमें कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर हमें डिफाइन करना है कि भाई 25, ये देखिए ये 25 का हो गया। अब टू पॉइंट को फिर दोबारा से डिफाइन कर देता हूं, 35, ये देखिए 35 का हो गया हमारा टू पॉइंट। ठीक है, अब ये टू पॉइंट का यूज कैसे करना होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हैं कि यहां पर और यहां पर इन दोनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल बनाना है, तो हम टू पॉइंट का सिलेक्ट करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, टू पॉइंट लेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ ये सर्कल हमारा बन गया। तो आप जो है इस तरीके से टू पॉइंट सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से थ्री पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं कि थ्री पॉइंट यानी एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल बनाए, तो पहले पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट को टच करता हुआ ये सर्कल हमारा बन गया। तो ये सर्कल कमांड से हम जो है ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो है चौथा, टेन टेन रेडियस, यानी कि दो जगह टेंजेंट है और एक जगह हमें रेडियस पता है। ठीक है, अब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस कैसे पता चलेगी ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए ये सिलेक्ट करते हैं, ये टेंजेंट और रेडियस हम दे देते हैं इसके और इसके बीच की, तो इन दोनों से ही टच होता हुआ एक सर्कल बन जाएगा। ये देखिए टेन टेन और ये इसकी रेडियस। तो चलिए मैं आपको जो है इनके बीच की जो है डिस्टेंस चेक करा देता हूं, अलाइन डिस्टेंस चेक करते हैं इसके सेंटर से और इसके सेंटर के F8। ये देखिए 16.93, ठीक है 60.93 दिखा रहा है। अब हम इसकी रेडियस चेक कर लेते हैं, तो रेडियस जो है इसकी आएगी यहां से और ये देख लेते हैं, ये देखिए 60.93, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमने रेडियस यूज की थी 10 10 रेडियस में, तो वो यहां पर आ जाएगी। अगर आपको 10 10 रेडियस का यूज करना है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर 10 10 10 करना है, तीनों का जो है टेंजेंट रहे, तो आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए जो आपको तीन सर्कल क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, एक दो और तीन। ठीक है, अब इन तीनों से टेंजेंट होकर अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो कैसे बनाएंगे इस चीज को मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आपको 10 10 10 लेना है, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे,
और यहां पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तीनों के टेंजेंट होकर जो है एक सर्कल बन जाएगा, ये आपका 10 10 सेंस से बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ये कमांड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको जो है अच्छे से देखिए और इसके हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस बनानी है। ठीक है, तो ये आपको लाइन कमांड मैंने आपको बता दिया, पॉलीलाइन बता दिया और सर्कल बता दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे कुछ और नई कमांड्स के साथ में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे हाउ टू सेट लिमिट इन ऑटोकैड 2024। चलिए सबसे पहले तो जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोकैड की लिमिट को सेट करने का शॉर्टकट है कि आपको टाइप करना है कमांड बार में LIMITS लिमिट्स। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहां पर जो आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर की लिमिट यानी कि जो मिनिमम लिमिट है वो आपको सेट करनी है, जो कि आप सेट करेंगे 0.0 और एंटर टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है आपको अपर राइट कॉर्नर की लिमिट सेट करनी है, जो कि आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आपको जिस साइज का कंपोनेंट बनाना है और आप चाहते हैं कि उसी में जो है लॉक हो जाए तो आप जो है यहां पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 300.300 की लिमिट सेट करता हूं यहां पर और एंटर टाइप कर देता हूं। तो अब जो है हमारी जो लिमिट है वो सेट हो चुकी है। अब आपकी जो लिमिट है वो कहां से स्टार्ट होगी वो भी आपको बताता हूं। ये आप यहां पर देख सकते हैं एक्स और वाई, ये दो कोऑर्डिनेट आपको जो है यहां पर दिख रहे हैं। तो यहां से जो है आपकी लिमिट स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी आप डायमेंशन सेट करेंगे वो यहां इस कॉर्नर से लेकर आपको सेट करनी है जिस लिमिट में आप सेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं लाइन यहां पर जो है ड्रॉ कर देता हूं, लिमिट की आपको रेंज बता देता हूं कि इस कॉर्नर से आपने जो है सेट की और 300 तक आपने टाइप की और एंटर डाल दिया तो 300 तक आपकी जो है लाइन खिंच गई और ऊपर जो है आपकी 300 एंटर। उसके बाद जो है यहां से जो है आपने 300 लिया एंटर और उसके बाद नीचे ले गए और 300 एंटर। ठीक है, ये इस रेंज के अंदर अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो आप उस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाहर जैसे ही जाएंगे वो कमांड एक्टिवेट नहीं होगी और आपका जो है कोई भी चीज ड्रॉ नहीं होगी। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने ये लाइन ली, मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, यहां तक लेके जा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा ये ड्रॉ नहीं हो रही। देखिए मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं नहीं ले रही है, इसके आगे ले जा रहा हूं नहीं ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपका सर्कल है, मैं यहां पर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं नहीं ले रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूं नहीं दिख रहा है, बट यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये लिमिट सेट करने का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप जब भी कोई ड्रॉइंग बनाएं तो अपनी लिमिट सेट कर दें। और दूसरा बेनिफिट आपको यहां पर ये मिलेगा, अगर ये जो आप ड्रॉइंग बना रहे हैं कई बार क्या होता है जूम इन जूम आउट करने के चक्कर में ये ड्रॉइंग जो है आपकी कहीं खो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के देखिए ये जो है आपकी खो चुकी है कहीं पर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस लिमिट को हमने सेट किया हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये जो है हमारी स्क्रीन पर आ जाए जहां पर भी मैंने बनाया है, तो आप क्या करिए अपने कर्सर को लेके जाइए इस टॉप पर, यहां पर टॉप लिखा हुआ है यहां पर आप क्लिक कर दीजिए और ये देखिए आपकी जो है ड्रॉइंग बिल्कुल बीचों बीच में आपकी स्क्रीन पर आ गई। इससे जो है आपकी कहीं पर भी ड्रॉइंग खोएगी नहीं और आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो लिमिट जरूर सेट करें किसी भी ड्रॉइंग को बनाने के लिए, और अगर आप प्रो हैं तो जरूरी नहीं है कि लिमिट सेट करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव। ऑटोकैड 2024 के नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है कवर करेंगे कुछ नई कमांड्स। तो चलिए यहां पर देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड रह रही है उनमें से सबसे पहली जो कमांड है वो है आपकी कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज कैसे करना है ये चीज हम यह है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो जो है हम एक सर्कल बनाते हैं, इसकी जो है हम डायमेंशन डालते हैं 50। ठीक है, अब इस 50 डायमेंशंस के जो है हम इसको कॉपी करना है। कॉपी कमांड का यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉपी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कॉपी कमांड लेते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ग्रीन सिलेक्शन, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस किया, अब इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए। सर्कल का बेस पॉइंट सबसे इजी पॉइंट होता है आपका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अब जहां चाहे वहां पर हम जो है इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्लिक करेंगे वहां पर जो है ये कॉपी हो जाएगा। बट जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम कॉपी कमांड को इस तरीके से यूज नहीं करते हैं।
अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कमांड लीजिए, सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और F8 बटन ऑन रखिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब जितनी डिस्टेंस पर आपको जो है इसको ले जाना है वो डिस्टेंस आप टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे जो है 150 की डिस्टेंस पर जो है इसको प्लेस करना है, एंटर कर दूंगा। ये देखिए, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 150 mm है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से ये और ये देख लीजिए, 150 mm जो है इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आपको 150 मिल जाएगी, ठीक है। तो अब दूसरे तरीके से हम जो है कॉपी को कैसे यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। अब क्योंकि मुझे जो है इसको एक एरे में कन्वर्ट करना है, तो कॉपी विद एरे कमांड होती है। इसके लिए देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले तो जो है इसके सेंटर से ऊपर की तरफ एक लाइन खींच देता हूं, फिर इसके सेंटर से एक नीचे की तरफ लाइन खींच देता हूं, फिर एक सेंटर से इधर और एक सेंटर से इधर, ठीक है। अब इससे क्या है कि दोनों सर्कल के बीच में जो है डिफरेंस आपको पता चल गया। अब मैं इसको एरे में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कमांड ले लेते हैं, फिर यहां पर जो है आपको लिखना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डालना है, आपको डालना है इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो यहां पर हमने बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। अब जो है हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए कमांड बार के अंदर एरे लिख के आ रहा है, ठीक है। इस एरे को जो है आपको क्लिक करना है। अब कितने आपको ये आइटम चाहिए, ये चीज आपको यहां पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर नंबर ऑफ आइटम डालता हूं 10 डाल दिए और एंटर कर दिया। तो ये देखिए 10 जो है एरे आपके ये रेडी हो गए, ठीक है। मतलब ये सेम कंपोनेंट जो है 10 नंबर ऑफ क्वांटिटी में ये बन गए। अब कितनी डिस्टेंस पर आपको रखना है, एक तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, दूसरा इनके बीच की डिस्टेंस को भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे जो है इनके बीच की डिस्टेंस रखनी है 500, ठीक है, और एंटर। ये देखिए, ये जो है 500 की डिस्टेंस पर जो है ये एक दूसरे से दूरी पर ये स्टेबलाइज हो गए, ठीक है। अब अगर हमें इसको चेक करना है कि ये 500 पे है या नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा, इसको क्लिक करेंगे और सेम इसके साथ में ये क्लिक करेंगे। ये देखिए 500 की डिस्टेंस पर जो है ये अवेलेबल है। चलिए मैं डायमेंशन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि जो है इजी हो जाए देखने के लिए। सेटिंग में जाएंगे, मॉडिफाई, यहां पर देखिए टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में हम यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट हाइट 5.5, ओके, सेट करंट, क्लोज। ये देखिए अब जो है हमें ये 500 डिस्टेंस यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आप जो है एरे का यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो है आपको एक पूरा पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो इस पूरे को जो है हम फिर दोबारा से एरे कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पहले हम कॉपी लेंगे, फिर बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे इसका, और फिर जो है हम एरे पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से हम डालेंगे 10, एंटर। ये देखिए, अब हमें नीचे की तरफ लेके चलना है ताकि जो है ये पूरा एक मैट्रिक्स बन जाए, और इसके बीच की डिस्टेंस जो है हम डालेंगे 500। ये देखिए पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपकी बन गई, 10x10 में जो है ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपने जो है कॉपी कमांड से बना दिया, ठीक है। तो ये कॉपी कमांड बहुत ही इजी है और इसका यूज आपको करना है। अगर कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए और हम आपको जो है इसका सोल्यूशन बताएंगे, और लाइव क्लास में भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लाइव क्लास में भी इसका पूछ सकते हैं, ठीक है। CNC CAD CAM Academy ऐप और वेबसाइट दोनों पर जो है आपको इसका पूरा का पूरा लाइव डेमो मिल जाएगा, तो उसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉपी कमांड। अब हम जो है नेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं, जो है कि है हमारी मूव कमांड, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर एक सर्कल बना लेता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी, इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एरे यूज करते हैं 5, हम इस तरह से इसको रखेंगे ताकि जो है हम इसको मूव भी करें तो जो है हमें पूरा ये दिखाई दे, ठीक है। अब देखो ये सर्कल है,
ये अलग अलग सेमिट्री में है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले सर्कल को मूव करके इस सर्कल के आगे लाना है, ठीक है। तो मूव कमांड लेंगे, इसका बेस पॉइंट डिसाइड करेंगे और यहां से जो है हम इसके बीच की डिस्टेंस जो है 1050 एंटर कर देंगे। ये देखिए, ये जो है आपका सर्कल यहां से मूव करता हुआ यहां आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको जो है मूव करना है, मूव ऊपर की डायरेक्शन में, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया 50 एंटर। ये देखिए 50 mm जो है अपनी पोजीशन से ऊपर उठ गया। फिर से हम इसको मूव करेंगे बेस पॉइंट और 100 एंटर। ये देखिए 100 mm अब क्या ऊपर उठ गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है मूव कमांड का यूज करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अब इन दोनों को ही हम जो है मूव करेंगे। मूव कमांड लेते हैं, ठीक है। बेस पॉइंट हम इनका डिसाइड कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। देखिए यहां पर डाल देंगे हम 500, और एंटर। ये देखिए यहां से 500 नीचे ये आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। कॉपी कमांड और मूव कमांड, ये दोनों ही कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका यूज आपको जो है बार बार करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कमांड है आपकी रोटेट। अब इस रोटेट कमांड को यूज करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लाइन कमांड लेंगे, यहां पर एक लाइन खींचेंगे, एक सिमेट्री बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। और अब ये देखिए, अब इसका डायरेक्शन जो है हम चाहते हैं कि इसको रोटेट करके जो है इस डायरेक्शन में कर दें। तो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, बेस पॉइंट डिसाइड करेंगे, ये बेस पॉइंट हो गया इसका। अब इस बेस पॉइंट के हिसाब से हम जो इसको घुमा भी सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और जहां पर चाहेंगे वहां क्लिक करेंगे वहीं पर ये रुक जाएगा। देखो ऐसे जो है हम इसको रोटेट कमांड का यूज कर सकते हैं, बट हमको जो है इस तरीके से यूज नहीं करना है। हमको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, रोटेट, इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अब हमें जो है एंगल पता होना चाहिए, कितने एंगल पे करना है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री। हम सबसे पहले 90 डिग्री करते हैं। ये देखिए यहां से 90 डिग्री जो है ये रोटेट हो गया, ठीक है। अब फिर से रोटेट करना है तो यहां से रोटेट पे क्लिक किया, बेस पॉइंट पे क्लिक किया, 90 डिग्री एंगल डाल दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए 90 डिग्री पे जो है फिर दोबारा से रोटेट हो गया। अगर हमको जो है वापस इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, रोटेट बेस पॉइंट -90 एंटर। ये देखिए -90 डालेंगे तो ये आ जाएगा, वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। एंगल को माइनस में करेंगे तो रिवर्स में आ जाएगा। अब एक चीज और भी है, रोटेट करते हैं, बेस पॉइंट डिसाइड करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, रोटेट भी करना है, कॉपी भी करना है। कॉपी कर दिया, ठीक है, देखो कॉपी भी होता जाएगा, रोटेट भी होता जाएगा, ठीक। कॉपी भी हो गया, रोटेट भी हो गया। देखो ये चीज यहां से कॉपी होके ये दोनों डायरेक्शन में जो है रोटेट हो गया। तो ये इस तरीके से भी आप जो है रोटेट कमांड का यूज कर सकते हैं। इसका जो है हमने किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया, ये बिल्कुल नया और फ्रेश बता रहे हैं, जिससे कि आपको जो है ये चीज समझ में आए। अब देखो इस चीज को मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे जो है इसको रोटेट भी करना है और कॉपी भी करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, रोटेट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, और अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉपी पे क्लिक करूंगा। कॉपी पे क्लिक किया और यहां पर डाल दूंगा 180। ये देखिए इधर भी है और इधर भी बन गया, कॉपी भी हो गया और रोटेट भी हो गया, ठीक है। अब इसको पूरे को फिर दोबारा से मैं जो है रोटेट करूंगा और कॉपी करूंगा, रोटेट, बेस पॉइंट और कॉपी 90। ये देखिए कॉपी भी हो गया, रोटेट भी हो गया, और ये देखिए पूरा का पूरा जो है पैटर्न आपका बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ये अलग अलग चीजें जो है ट्राई करिए और बना के देखिए। अब एक कमांड आती है आपकी मिरर कमांड, ठीक है। अब हम मिरर कमांड का यूज करेंगे, उससे पहले जो है हम इसमें से
ये निकालते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यही चीज जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और बन जाए, तो कैसे करेंगे? मिरर कमांड का यूज, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मिरर कमांड। अब इसमें एक जो है एक मिरर की लाइन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, यहां से यहां एफिट, एक लाइन आप यहां पर बनाएंगे तो उसके लाइन के अगेंस्ट में जो है ये बन जाएगा, ठीक है। देखो इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो आप यस कर दीजिए, और अगर इरेज नहीं करना है तो आप नो कर दीजिए। तो पहले हम यस करेंगे, तो देखिए यहां पर था और ये इधर बन गया, ठीक। अब कंट्रोल जेड, ये देखिए यहां है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मिरर कमांड, बेस पॉइंट, और ये देखिए इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो करेंगे तो देखिए ये भी बन गया और ये भी बन गया। अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो आप जो है नो पे क्लिक करिए, और आपको सिर्फ एक चाहिए और अपोजिट, तो वो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो इन दोनों की सिमेट्री एक जैसी, इसलिए पहचानने में नहीं आ रहा है, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके थोड़ा सा दूर होके एक और बन जाए, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मिरर, यहां पर जो है ये देखिए ये बन गया, ये इसके अपोजिट ये बन गया। इस तरह से आपको जो है कमांड का यूज करना है और ये जो है आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो मिरर कमांड बहुत यूज करनी है आपको। और अब आपकी नेक्स्ट कमांड आती है आपकी ट्रिम कमांड, ठीक है। अब ये ट्रिम कमांड का यूज क्या करना है, देखो मान लो आपको लगता है कि ये लाइन यहां इस सर्कल के इधर वाली नहीं चाहिए आपको, तो आप ट्रिम कमांड पे क्लिक करें और यहां पे क्लिक कर दीजिए, ये डिलीट हो गई। इसी तरह से ये देखिए ये डिलीट हो गई, ये हो गई, ठीक, क्लियर। फिर दोबारा से ट्रिम को लेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे और ये ट्रिम कमांड आपकी यूज हो जाएगी। ट्रिम कमांड का यूज करना बहुत इजी है। इसी तरह से एक और कमांड है ट्रिम के साथ में, एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड का यूज देखिए मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए कोई लाइन आपको लगता है कि ये लाइन छोटी है, अब इसको थोड़ा सा और लंबा चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, लाइन लंबी हो गई, ये देखिए यहां तक आ गई, इसी तरह से यहां पे आ गई, ठीक है। और देखिए ये लंबी हो गई, ये देखिए लंबी हो गई। इस तरीके से आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी भी लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिट है। ये चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि एक्सटेंड कमांड कहां पर काम नहीं करेगी, ये चीज आपको बता देता हूं। देखो ये लाइन आपने खींची और ये लाइन आपने खींची, अब इस लाइन की लिमिट जो है यहां तक है, इसके आगे तक नहीं है। मतलब एक्सटेंड आप यहां तक कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जाएगी। देख लेते हैं, एक्सटेंड क्लिक, अब इस पर फिर दोबारा से मैं क्लिक कर रहा हूं, कितनी बार भी क्लिक करूंगा ये आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री है, इसकी लिमिट है। एक्सटेंड आप वहां तक कर सकते हैं जहां तक इसकी लिमिट होगी, अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी फिर जो है आगे ये एक्सटेंड नहीं होगी। अब इससे आगे अगर आपको लाइन खींचनी है तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। इसके आगे एक और लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब ये लाइन यहां तक एक्सटेंड हो जाएगी, लेट मी सी, ये देखिए यहां पर देखिए ये एक्सटेंड कर गई, क्योंकि इसकी लिमिट जो है यहां तक आपने एक्सटेंड कर दी। अब ये लिमिट है, इसकी लिमिट देखिए यहां, इसके आगे ये आ रहा है, तो ये यहां तक एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन अगर ओपन होगी कोई भी डायमेंशन तो वहां पर एक्सटेंड नहीं करेगी, ठीक है। देखो मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, एक्सटेंड यहां पर क्लिक किया तो देखिए एक्सटेंड हो गया, ठीक है। फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां तक करेंगे एक्सटेंड, देखो यहां तक आ गई, फिर ये एक्सटेंड हो गई, फिर एक्सटेंड हो गई, लेकिन अब नहीं होगी एक्सटेंड, ये देखिए अब नहीं हो रही एक्सटेंड, ये अब एक्सटेंड ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी आगे की कोई लिमिट है ही नहीं। तो इस तरीके से जो है आप एक्सटेंड कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपकी फिलेट और चैम्फर, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। इसके लिए देखो मैं आपको सबसे पहले तो क्या करता हूं, इस फिलेट का यूज हम करते हैं रेडियस बनाने में, चैम्फर का यूज करते हैं हम चैम्फर को बनाने में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिलेट पे हम जो है क्लिक करेंगे, फिलेट पे क्लिक किया, अब यहां पर रेडियस हमको डिसाइड करनी है। रेडियस कितनी की चाहिए, हमको चाहिए 50 की रेडियस चाहिए, एंटर। ट्रिम, ट्रिम पे क्लिक करेंगे, देखो ट्रिम और नो ट्रिम, अगर ट्रिम करोगे तो ये जो है एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाएगा,
और नो ट्रिम कर दोगे तो वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो हम ट्रिम को हमेशा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट और सेकंड, तो देखो ये जो है आपकी फर्स्ट रेडियस सेकंड रेडियस, ये जो है रेडियस आपकी बन गई, ये आपका फिलेट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं फिलेट है कि नहीं है। ये देखिए, ये देखिए 50 की रेडियस आपकी बन गई। हालांकि इतने बड़े कॉम्पोनेंट के ऊपर 50 छोटा दिख रहा है, इसलिए जूम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस तरफ जो है देखिए कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है, इस पे जो है मैं कम से कम जो है 1000 की रेडियस बनाऊंगा। तो फिलेट पे क्लिक करेंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे, यहां पे डालेंगे हम 1000, ठीक है, हो गया, एंटर। और इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये 1000 की रेडियस बन गई। ये 1000 की रेडियस इतनी बड़ी है और ये देखिए 50 की रेडियस इतनी छोटी है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए R1000, ठीक है। तो इस तरीके से फिलेट बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा कंपोनेंट बनाते हैं इसमें इजीली दिख जाए, ठीक है। अब इस कंपोनेंट के ऊपर जो है हम चैम्फर बनाएंगे। देखिए चैम्फर के लिए यही कमांड सेलेक्ट कर लिए, चैम्फर। यहां पर क्या करना, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, ये सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो देखो डिस्टेंस हम लेके चलेंगे, अगर हमें डिस्टेंस लेनी है 25, एंटर, 25, एंटर, दो बार आपको एंटर करना है 25x25 का, ठीक है, एक दो, ये 25x25 का जो है ये चैम्फर लग गया आपका, ठीक है। अब फिर से मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर चैम्फर पे क्लिक किया, डिस्टेंस पे क्लिक किया, 50, एंटर, 50, एंटर, दो बार आपको टाइप करना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ये देखिए ये 50 का चैम्फर, 50x50 का चैम्फर है, ये 25x25 का चैम्फर है। अगर आपको चैम्फर चेक करना है तो कैसे करोगे चेक, लीनियर पे ले लो, यहां पे क्लिक करो, यहां पे क्लिक करो और ये देख लो, ये देखिए डिस्टेंस 50, ठीक, और यहां पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहां पे और यहां पे, ये देखिए 50x50 का चैम्फर आपका लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से चैम्फर भी यूज कर सकते हैं। अब एक चैम्फर का तरीका और भी है, तो चैम्फर के लिए सबसे पहले चैम्फर सेलेक्ट करते हैं, एंगल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो स्पेसिफाई फर्स्ट लेंथ, स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब उसकी जो है लेंथ आपको डिसाइड करनी है, मैं डिसाइड करता हूं कि 90 की डिस्टेंस में सेलेक्ट करता हूं, एंटर। अब एंगल आप डिसाइड करो, एंगल में चाहता हूं कि भैया 45 हो, एंटर। अब देखो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन बन गया, 45 डिग्री का जो है एंगल बन गया और ये जो है 90 का चैम्फर है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं फर्स्ट लाइन से यहां तक की डिस्टेंस, ये देखिए 90 है, ठीक है, और यहां से यहां की डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली 90 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चैम्फर कमांड यूज हो जाएगी। लाइव क्लास में आप जो है इसका क्वेश्चन जरूर लेके रेडी रखिएगा, अगर कोई भी डाउट आता है कुछ अलग अलग सेमेट्री बनाने में, ड्राइंग्स बनाने में, तो आप जो है इसका क्वेश्चन जरूर पूछिए। आपकी जो ड्राइंग्स है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, वो आपको जो है आपके ऐप के थ्रू मिल जाएंगे, उस ऐप के थ्रू जो है आप उन ड्राइंग्स को बनाते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कुछ और कमांड्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे, मेरा नाम है विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरे कमांड का यूज किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ जो है अलग से डिजाइंस दिख रही हैं, ये डिजाइंस को हम बना सकते हैं पोलर कमांड से और बहुत ही ईजी बन सकती है। अगर हम एक एक करके बनाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट हम एरे कमांड का यूज करेंगे तो बहुत ईजी जो है ये बन जाएगा। तो चलिए इसको जो है हम आपको बता देते हैं कि एरे कमांड किस तरीके से काम करेगा। इसको साइड करते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम एक सर्कल लेंगे, एक सर्कल जो है साइज हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, एक साइज हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर 15 का जो है हमने एक सर्कल ले लिया, उसके साथ पे एक सर्कल लेते हैं बड़ा, इसका साइज हम डिसाइड करते हैं 50, ठीक है। अब हम इसको जो है सबसे पहले अगर हमें एरे करना है तो सेलेक्ट करते हैं और पोलर एरे, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर एरे है, एक पोलर एरे है, तो पोलर एरे पे हम जो है क्लिक करेंगे,
अब हम करेंगे क्या कि यहां पर जो है किसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो सेंटर पॉइंट जो है हम इस सर्कल के सेंटर को डिफाइन कर देते हैं। तो इस सर्कल के अराउंड जो है ये पूरा सर्कल बना लेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम देखो यहां पर 6 दिया हुआ है, यहां देखिए इस लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम 6 है। तो इन आइटम्स को हम जो है बढ़ा सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हम करते हैं 50 एंटर। तो देखिए ये 50 सर्कल जो है ये बन गए। तो इस तरीके से देखो एक ही स्टेप में जो है हमारे इतने सारे सर्कल्स बन गए। अब हम चाहते हैं कुछ और डिजाइन बनाए इसमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें एक लाइन कमांड लेते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे और एक लंबी सी लाइन खींचते हैं और इसको जो है यहां पर टच करते हैं। फिर इसके बाद एक लाइन जो है हम एक लाइन इसके सेंटर से लेते हैं और यहां पर टच करते हैं, फिर एक लाइन यहां पर टच करते हैं और एक लाइन यहां पर टच करते हैं। तो हमें जो है दो पॉइंट मिल चुके हैं। दोनों पॉइंट्स पे हम जो है एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल इस पॉइंट पे बनाएंगे, एक इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, एक यहां पर बनाएंगे, एक ये देखिए दो सर्कल हमने बना लिए। अब हम इन सर्कल को जो है एक लाइन से जोड़ने की कोशिश करेंगे यहां से, और इस सर्कल को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर यहां से लेंगे लाइन और इस सर्कल को जोड़ेंगे, ठीक है। अब एक सर्कल जो है हम यहां पर भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो है सर्कल हमने यहां से एक डिजाइन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी जो सिमेट्री हमने बनाई है इस डिजाइन को, इसको पूरे को जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर पोलर एरे सेलेक्ट करेंगे। अब इसका बेस पॉइंट जो है हम इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को लेंगे, ठीक है। ये देखिए नंबर ऑफ आइटम 6 दिखा रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम हम कर देते हैं 50 एंटर। ये देखिए ये डिजाइन पैटर्न जो है आपका ये बन गया, ठीक है। तो ये देखिए कितने स्टेप में हम जो है पोलर एरे कमांड से इजीली जो है ये डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, अगर हम जो है इस पूरी डिजाइन को जो है रेक्टेंगुलर एरे में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए देखिए हम सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर एरे को लेंगे, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स हमको चाहिए 6, नंबर ऑफ रो चाहिए आपको 4, ठीक है, और क्लोज कर दीजिए। तो देखिए देखिए 6 तो जो है ये इसके कॉलम बन गए, ठीक है, और 4 इसकी रो बन गई, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सेम कंपोनेंट को जो है आपने एरे कमांड का यूज करके ये ऐसे पूरी एक डिजाइन आप पैटर्न बना सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट कम समय में बनाने हैं तो आप जो है पोलर कमांड का यूज कर सकते हैं, ये इसकी एक खास बात रहती है। अब देखो इसमें एक चीज और भी है, वो जो एडिटिंग आपको करनी है मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपको जो है बिटवीन स्पेसिंग को कम करना है, ठीक है, तो ये देखिए बिटवीन स्पेसिंग आप यहां से कम कर सकते हैं। यहां से आप डाल दीजिए 1000 1000, तो ये देखिए ये पास पास बन गए, ठीक है। और अगर आपको इनको थोड़ा सा और दूर करना है 2000 एंटर, ये देखिए दूर दूर हो गए। ये जो है इस तरीके से आप जो है इसकी स्पेसिंग, अब कॉलम की स्पेसिंग आपकी 2000 है और रो स्पेसिंग आपको बढ़ानी है तो रो स्पेसिंग को आप जो है यहां पर कर दीजिए 2000 एंटर। ये देखिए रो की स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज को आप यहां पर एडिट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज आप 6 चाहते हैं तो यहां पर 6 हो जाएंगी, ये देखिए 6 हो गई। नंबर ऑफ कॉलम आप जाते हैं कि भैया 2 ही रहे इसमें कॉलम या 3 रहे, 3 कर देते हैं, ये देखिए 3 कॉलम हो गए, 6 रो हो गई। जिस चाहे पैटर्न में आपको जो है ये डिजाइन करना है वो आप इजीली जो है पोलर एरे रेक्टेंगुलर एरे कमांड का यूज करके इजीली कर सकते हैं। तो 2024 में जो है ये आपको इजीली मिल जाएगा, ये चीज जो है आप काफी बार आपको यूज भी करनी पड़ेगी, तो ये कमांड आप जो है याद कर लीजिए इन फ्यूचर के लिए। और इस कमांड से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ में जो है आप लाइव क्लास में भी जो है लाइव डाउट अपना पूछ सकते हैं, अपनी सिग्मा यूथ इंजीनियर्स एकेडमी की लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं डाउट, और हमारी जो वेबसाइट है www.sigmayouthengineers.com इस वेबसाइट पर भी जो है आप कोई भी डाउट अपना
प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। ऑटोकैड 2024 के एक्सरसाइज सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं और आज की इस एक्सरसाइज में हम जो है देखने वाले हैं वो है कुछ इस टाइप की ड्राइंग। इस टाइप की जो ड्राइंग होती है इसमें देखिए आपको थोड़ा सा उलझने का जो है लगता है कि यार ये एक बड़ा क्रिटिकल सा बना हुआ है, बट इसको बहुत ही इजी स्टेप में हम कवर कर सकते हैं अगर हमें जो है ट्रिक इसकी पता है तो। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 4.25 की एक साइड है और ये तीनों साइड से जो है ट्राइंगल जो है बराबर है और उसके बाद जो है इसमें 0.25 का जो है इसमें इंक्रीमेंटल मूवमेंट है। तो अगर आप इंडिविजुअल बनाने जाओगे तो चार जो है ये ट्राइंगल बनाने में आपको जो है काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है वो चीज़ हम जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो है हम इसको बनाने के लिए एक आपको बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि लाइन कमांड यूज़ करिए, 4.25 एंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिल लाइन दीजिए ऊपर की तरफ, 4.25 एंटर कर दीजिए। अब इस लाइन को जो है आप जो है थोड़ा सा झुका दीजिए इस तरफ, ठीक है, माइनस इस तरफ आपको झुकाना है 30 डिग्री, तो जो है ये 60 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो आपको क्या करना है, रोटेट कमांड लगा दीजिए और बेस पॉइंट डिसाइड कर लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए -30 एंटर, ठीक है। 30 डिग्री का जो एंगल ये इस साइड से झुका, ठीक है। और चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो लाइन खींचिए 4.25 एंटर और यहाँ से जो है इसको जो है आर ओ एंटर कर दीजिए, बेस पॉइंट दे दीजिए और 30 डिग्री का दे दीजिए। ये देखिए दोनों ही केस में जो है आप ऐसे बना सकते हैं और इसको जो है आप इरेज कर दीजिए। आपने यहाँ से बना लिया, अब क्या करिए इसको जो है मिरर कमांड से यहाँ से लीजिए और ये लीजिए, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। अब ये तीनों जो लाइनें हैं ये देखो तीनों लाइनें जो है आपकी ये अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो अब अगर इसमें जो है आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ऑफसेट कमांड ले सकते हो, बट ऑफसेट कमांड लेने का जो है नुकसान क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऑफसेट यहाँ से लेते हैं 0.25 एंटर, देखिए ये जितनी बड़ी लाइन है उतनी ही बड़ी लाइन ये अंदर चलेगी, ठीक है। तो आपको फिर ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यही नुकसान आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यही फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर इसको ट्रिम करो तो ये बार बार जो है बार बार का झंझट क्यों पालना है आपने को। अपन क्या करते हैं, इस पर आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपको जो ट्रिक लगानी है वो यहीं पे लगा देनी है। यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लो और ज्वाइन कर दो, जे टाइप करो, जे ज्वाइन एंटर, ठीक है। तो ये ज्वाइन हो गया, अब क्या ये तीनों एक ही बन गए। अब यहाँ पे लगाओ ऑफसेट, ऑफसेट कैसे लगाना है, ऑफसेट के लिए आपको ये दिया हुआ है एंटर, सॉरी ऑफसेट वैल्यू डाल दो 0.25 एंटर, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ ले लो, एक दो तीन चार, हो गया। कितना टाइम लगा आपको, ये जो है आपको बनाने में बहुत ही कम टाइम में आप जो है इस टाइप की ड्राइंग बना सकते हो। अब इसको अलग अलग करके बनाओगे बार बार जो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये डायमेंशन एग्जैक्टली है वैसी कि नहीं, इसको देखिए मैं आपको अलाइंड कहते हैं ये दिखाता हूँ आपको, 4.25, ये भी 4.25 और ये तो आपका ये तो 4.25 है ही, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो, ये देखिए 0.25 है, ये सब ऑटोमेटिकली 0.25 ही जाएगी सबके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस टाइप की ड्राइंग्स में आप फंसेंगे नहीं, टेक्निक्स याद रखिए आगे काम आएंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और ऑटोकैड 2024 की एक्सरसाइज सीरीज में आज हम बनाएंगे कुछ ऐसी ड्राइंग जिसमें कि हम सर्कल कमांड का यूज कर सकें और ऑफसेट कमांड का भी यूज करके दिखाएंगे आपको।
तो ड्राइंग है इस तरह से दी हुई है। अब इसको जो है आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, रेफरेंस पॉइंट की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहली जो है आपकी सर्कल, इसमें सेंटर पे जो है आपका 0.5 का रेडियस का सर्कल है, 0.5 एंटर, फिर दोबारा से सर्कल, रेडियस जो रहेगी 0.88 एंटर, ये देख लीजिए। उसके बाद जो है हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है 3.56, इस डिस्टेंस पर जो है एक सर्कल बनाना है 0.5 रेडियस का। तो एक काम करते हैं, हम इस सर्कल को जो है मूव कर देते हैं, तो मूव कमांड ले लेते हैं, मूव यहां से 3.56 एंटर, और यहां पर जो है हमको एक कमांड लेनी हो सर्कल की, और इस सर्कल पे जो है हम 0.5 का ये बना लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें मिल चुका है, ये पॉइंट हमें मिल चुका है, इस पॉइंट पर जो है बड़ा जो रेडियस है R 1.5 का, ये हम बना लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट हमें मिल जाएगा 1.5 इंटर, ठीक है। ये सर्कल भी बन गया। अब ये सर्कल और ये सर्कल से टेंजेंट होके जो है ये आपको आर्क बनानी है। दो तरीके से आर्क बना सकते हैं, पहला तरीका है कि आप सर्कल ले लीजिए, दूसरा तरीका है कि आप जो है यहां पर ये डायरेक्ट आर्क ले सकते हैं, ठीक है। बट हम जो है सर्कल लेंगे। सर्कल के लिए देखिए हमें जो कमांड लेनी है टेन टेन रेडियस, ये सबसे इजीएस्ट कमांड है, ये ले लेते हैं। इसका टेंजेंट और रेडियस हमें पता है 2 एंटर, ये देखिए बन गया। अब इसको जो है हम मिरर कर लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट जोड़ दीजिए, मिरर हो गया, ये दोनों बन गए। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड यूज करेंगे। ट्रिम कमांड, एक तो इसको ट्रिम कर दो और एक इसको ट्रिम कर दो, तो बन गया। अब डायमेंशंस आपको शो करनी है तो शो कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर देखिए रेडियस ले लेते हैं, इसकी रेडियस 1.5, इसकी रेडियस 0.5, इसकी रेडियस 2, इसकी रेडियस 0.5, इसकी रेडियस 0.88, और बीच की डिस्टेंस जो है लीनियर से लेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए 3.56, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ये ड्राइंग इजीएस्ट वे में बना सकते हो। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ऐसी कुछ और एक्सरसाइजेस के साथ हम आएंगे आपके लिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव। ऑटोकैड 2024 की सीरीज में हम जो है आज एक एक्सरसाइज करके देखेंगे, जिससे कि आप कमांड का यूज करना सीखें और ड्राइंग को किस तरीके से बनाना है ये भी आप यहां पर सीख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक ड्राइंग है सैंपल। इस ड्राइंग को बनाने की जो ट्रिक है वो चीज मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। जब आपको जो है इस टाइप की ड्राइंग मिल जाए और जिसमें डायमेंशंस यहां पर दी हुई हो, ठीक है, तो आप कैसे जो है अप्रोच करेंगे बनाने के लिए। अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज जो है रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग डायमीटर दिया हुआ है। बट अगर हम इसको नॉर्मली बनाने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। बट ट्रिक हमको यूज क्या करनी है, इसमें हमें सर्कल कमांड यूज करनी है। अलग अलग टाइप की सर्कल कमांड दी हुई है। अब देखो यहां पर दिया हुआ है डायमीटर, डायरेक्ट दिया हुआ है 0.75 और 0.38, ठीक है, और यहां पर डायमीटर, इस पर रेडियस दिया हुआ है आपका 1.13 और डायमीटर दिया 1.13, ठीक है। तो अब हमें जो ड्राइंग स्टार्ट करनी है वो हमें नीचे से स्टार्ट करनी है और ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है, तो हमारा इजी हो जाएगा। कैसे होगा ये चीज देखते हैं। सबसे पहले देखिए डायमीटर हम यहां से बनाते हैं। सबसे पहला डायमीटर 1.13, ठीक है, डायमीटर हम ले लेते हैं इसके बराबर में 1.13 का डायमीटर। इसी सेंटर पे जो है एक रेडियस लेने वाला है, तो रेडियस वाला लेंगे हम, रेडियस 1.13 एंटर, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा बन गया, ये सर्कल दोनों बन गए। अब हमें इससे जो है इस लाइन से, देखिए ये लाइन जो दी हुई है, ये यहां से जो है एक सर्कल बनाना है इससे ऊपर। तो सबसे पहले देखो हमें ये लाइन लेनी पड़ेगी, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहां पर लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसके फंक्शन F8 2.68 एंटर कर दिया, ठीक है, ये लाइन हमको मिल गई, ठीक है।
अब यहां पर जो है हमको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब डायमीटर कितना दिया है इसका, बड़े वाले सर्कल का देखिए, ऊपर वाले का 0.75। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो डायमीटर वाला डायरेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट पता होगा तब लेंगे, लेकिन अब हमें 2 पॉइंट वाला जो है लेना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट के लिए हम यहां से लेंगे और डाल देंगे 0.75, एंटर। ये देखिए अब ये जो है हमें इजीली मिल गया, ठीक है। अब इसका सेंटर हमें इजीली मिल जाएगा, तो यहां पर हम सर्कल लेंगे डायमीटर 0.38 का, एंटर। अब ये दो सर्कल हमारे बन गए, लेकिन यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी, इस सर्कल के साइड से जो है ये लाइन जा रही है और 0.63 का जो है एक लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से हम लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे 0.63, एंटर, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, यहां से ली लाइन और यहां पर जो है जोड़ दी, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए रेडियस दिया हुआ है आर 0.38 का, तो अब यहां पर हमें जो है फिलेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। फिलेट लेंगे, रेडियस डालेंगे 0.38, एंटर। फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन बन गई। अब जो है हमको ये ट्रिम करना पड़ेगा, ये ट्रिम करना पड़ेगा, तो ट्रिम कमांड इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, एंटर। अब देखिए ये ड्राइंग जो है हमारी बन गई, ठीक है। चेक करना है तो डायमेंशन हम यहां पर चेक कर लेते हैं, रेडियस, रेडियस डायमीटर, डायमीटर और डायमीटर, ठीक है। और एक रह रही है डायमेंशंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2.68 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, इसको कोशिश करिए, इससे जो है आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सर्कल कमांड कहाँ पे लगानी है, ऑफसेट कमांड कैसे लगानी है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए और नेक्स्ट जो ड्राइंग है वो बनाएंगे हम अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम ऑटोकैड 2024 की एक्सरसाइज सीरीज कवर कर रहे हैं और इसमें हम बनाएंगे चेस बोर्ड, कैसे हम बनाएंगे ये स्टेप में। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक चेस बोर्ड है और इसकी डायमेंशन आपको यहाँ पर दी हुई है 7x7 का जो है ये पूरा चेस बोर्ड है और इसके अंदर जो है ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ब्लॉक्स का जो स्क्वायर का साइज है वो 0.6x0.6 का है, ठीक है। तो और इनके बीच का जो गैप है 0.2 है। अब अगर हम एक एक करके बनाने जाएंगे तो जो है बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट हम जो है इसमें ना ही एरे कमांड यूज करेंगे, हम कॉपी कमांड यूज करेंगे, कॉपी विद एरे, और इससे जो है बहुत ही इजीएस्ट स्टेप में बनाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो 7x7 का जो है स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बना लेते हैं इसका। यहां पर फ्रेम बना लेते हैं F8 फंक्शन से, 7 एंटर और ये 7 एंटर, ठीक है। तो पहले तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं J और फिर ऑफसेट ले लेते हैं 0.2 का, एंटर एक बार और दो बार, ठीक है। ये आपका फ्रेमवर्क बन गया। अब हमें जो है अंदर वाले ब्लॉक बनाने हैं, तो अंदर वाले ब्लॉक को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहां पर बनाते हैं, थोड़ा बाहर बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा यहां पर। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लाइन लेते हैं F8 0.6, एंटर 0.6 और 0.6, एंटर, ठीक है। कॉपी करते हैं, यहां से जो है इसकी डिस्टेंस लेते हैं 0.8 और ये बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है हमारा डिफरेंट है, और ऐसे, ठीक है, यहां देख लीजिए इस ड्राइंग में ये ब्लॉक जो है आपका
और ये वाला ब्लॉक, दो ब्लॉक है। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, पहले तो हम जो है उसको थोड़ा सा मूव करके हटा के थोड़ा दिखा देते हैं ताकि जो है ये चीज पास में रहेगी तो आपको समझ में भी आती जाएगी, डायमेंशन देखने में आसानी होगी। ठीक है, यहां से जो है सबसे पहले हम कॉपी करते हैं, सी ओ कॉपी, पॉइंट लेते हैं और यहां से ये डिस्टेंस लेते हैं हम एरे कमांड, एरे एरे में डालते हैं हम नंबर ऑफ एरे चार, देखिए ये बन गया चार। और अब हम जो है डिस्टेंस लेते हैं 1.6, ये कैलकुलेट की हुई है डिस्टेंस, देखिए यहाँ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है 1.6 है, तो यहाँ से ये जो है आपस में जितनी डिस्टेंस होगी ये आपको डालनी पड़ेगी, तो ये आपकी हो गई 1.6। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर कि ये 1.6 ही क्यों ली, तो देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है ये 1.6 आ रही है। ठीक है, तो एरे में हमेशा ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी जो आपके अल्टरनेट की होगी। ठीक है, तो ये आपको डालनी पड़ेगी। ठीक, अब इसको हम फिर से कॉपी करेंगे, सी ओ कॉपी, इस वाले पॉइंट से उठाएंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे 0.8। ठीक है, तो ये बन गया। अब एक ट्रिक अपने को लगानी है, यहां पर जो है इसके बीच में एक लाइन खींच लेंगे ताकि जो है हम इसको नीचे वाले ब्लॉक को पूरा रोटेट कर सकें। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये वाला सेम स्ट्रक्चर नीचे तक नहीं लाना है, इसको जो है अपोजिट कर देंगे तो हमारा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले स्ट्रक्चर को रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, रोटेट कमांड, इसके बीचों बीच में लेंगे बेस पॉइंट और 180 एंटर। ठीक है, ये देखो ये हो गया। अब ये देखो ये दोनों सेम रिपीट कर देने हैं आपको, सी ओ कॉपी, और यहां से बेस पॉइंट ले लेंगे, एरे ले लेंगे, एरे ले लेंगे चार का और डिस्टेंस ले लेंगे 1.6 एंटर। ठीक, देखिए ये पूरा का पूरा जो है फ्रेम आपका बन गया। अब इसको जो है मूव कमांड लेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे, F8 ऑन करेंगे और इस पॉइंट पर रख देंगे। ठीक है, बाकी इस स्ट्रक्चर को इरेज कर देंगे, तो ये देखो आपका जो है ये बिल्कुल सेम यही फ्रेम आपका बन गया, कितने कम टाइम में जो है आपने ये बना दिया। अब क्योंकि डाउट आपका आएगा इसमें, तो वो चीज हम यहां पर अब क्लियर कर देते हैं आपको कि क्या क्या डाउट आपको आएंगे। देखो बनाने का जो टेक्निक है आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने क्या किया, यहां पर ये दोनों को जो है आपने कॉपी कर लिया, मैं आपको दिखाता हूं, ये ड्राइंग आप रीड कर लीजिए अच्छे तरीके से। 0.2 जो है इनके बीच की डिस्टेंस है, 0.6 का जो है ब्लॉक है, तो पॉइंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 0.6 और यहां तक की डिस्टेंस है वो है 0.2, तो ये हमने 0.2 यहां पर डाली है, इसलिए जो है ये एकदम से जो है कॉपी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे किया हमने, फिर से स्टार्ट करते हैं, 0.6 कंट्रोल जेड F8 0.6 एंटर, 0.6 एंटर, 0.6 एंटर, 0.6 एंटर। ठीक है, अभी हम यहां से कॉपी करेंगे, सी ओ कॉपी, बेस पॉइंट हम यहां से लेंगे, तो अगला जो है हमें यहां पर 0.8 पे रखना है, तो 0.8 एंटर। ये देखिए अब ये दो ब्लॉक बन गए हमारे। अब इस ब्लॉक को जो है हम पूरी तरीके से रेडी कर लेते हैं, ये देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 1.4 और 0.2 यहां तक डिस्टेंस रही है, तो ये 1.4 प्लस 1.6 हो जाएगी। ठीक है, अगले इसके लिए तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, सी ओ यहां से डालेंगे 1.6 एंटर। ठीक है, तो ये आ गई, ऐसे ही हम सी ओ कॉपी करें, फिर जो है 1.6, ये देखिए ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, इसलिए हमने जो शॉर्टकट लगाया था वो आपको बता देते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, सी ओ कॉपी, ठीक है, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, एरे सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ आइटम 4 एंटर, 1.6 एंटर। ये देखिए सबके बीच में डिस्टेंस आ गया ये। अब इसी को जो है फिर से कॉपी करेंगे,
यहां से बेस पॉइंट लेंगे और इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 0.8, तो 0.8 एंटर। अब देखो ये दोनों सेम है, लेकिन जो ड्राइंग है उसमें आपको देखो इसके नीचे जो है ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, अल्टरनेट चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को रोटेट करना है। अब रोटेट करने के लिए क्या कर सकते हो, या तो जो है पूरा जो है इसको यहां से रोटेट करो, ठीक है। अब इसके लिए कोई मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। अब इसका मिड पॉइंट आपको शो करने लगेगा, तो इसको पूरे को जो है एक ही स्ट्रक्चर मान लो और रोटेट कर दो, और रोटेट का जो बेस पॉइंट है इस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा, और इसको ऐसे रोटेट कर दोगे 180 एंटर। तो देखो हो गया, रोटेट हो गया। यही ट्रिक आपको यहां पर लगानी थी, ठीक है। अब इसको जो है आपको फिर से कॉपी कर देना है, बेस पॉइंट ये ले लो और एरे ले लो 4 का 1.6 डिस्टेंस एंटर, ये बन गया। तो ये टेक्निक आपको जो है इस पूरे के पूरे चेसबोर्ड को बनाने में लगानी थी, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है चेसबोर्ड बना सकते हैं बहुत ही इजीएस्ट वे में, कम से कम कमांड्स का यूज करके। तो ऐसी ट्रिक्स टेक्निक्स आप यूज करेंगे तो आपकी ड्राइंग सबसे कम टाइम में बनेगी और आप जो है इजीली जो है अपना एंट्रेंस टेस्ट पास कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की ड्राइंग मिल जाती है टेस्ट में तो आप इजीली जो है ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे और आपको जो है जॉब इजीली मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।